हाय एवरीवन, टुडे इज 28th अक्टूबर और मैं आज एक ऐसी नेशनल हीरोइन की बात करने जा रहा हूँ जो हम सब के लिए प्रेरणा की स्रोत है और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इन डिफरेंट एंगल्स शी इज रियली ठीक है एडोरेबल लेडी लाइक ए मदर। हम इन लोगों को मदर ऑफ इंडिया कहें कोई संकोच नहीं होगा। ध्यान दें, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी राजनेत्री, समाज सेवी, विद्या की देवी, जिनका नाम है भगनी नवेदिता। भगनी नवेदिता का अगर हम नाम देखें तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है। इनका ओरिजिनल नेम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है। शी बिलोंग्स टू आयरलैंड, आयरिश लेडी। ये 1867 में जन्म ली और 1895 में स्वामी विवेकानंद से इनकी मुलाकात होती है लंदन। उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और फिर वो भारत आ गई और स्वामी विवेकानंद की शिष्यता ग्रहण कर ली। शी बिकम डिसाइपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, उनकी शिष्या बन गई और उनकी सेवा में सदैव उनके साथ तत्पर रही। तो मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, आयरिश लेडी, आयरलैंड की, जो भारत में आके रच बस गई और उन्हें भगनी नवेदिता नाम स्वामी विवेकानंद ने दिया। भगनी का मतलब होता है बहन, निवेदिता का अर्थ है ज्ञान की पिपासु, ज्ञान की जिज्ञासा, एगर टू नॉलेज। तो ज्ञान हासिल करने के लिए उनकी बड़ी जिज्ञासा थी भारतीय अध्यात्म को लेकर के, तो वो उसकी शिष्या बन गई। समय के साथ वो बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में खोलने में सहयोग दी, एस्टेब्लिश होने में सहयोग दी और आज सच पूछिए तो दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नजफगढ़ में एक कॉलेज है जिसका नाम है भगनी नवेदिता कॉलेज, उन्हीं के नाम पे, और पूरे भारत में बहुत जगह है। तो भगनी नवेदिता समय के साथ दार्जिलिंग में रही और फाइनली हम देखते हैं वो डेथ कर गई 1911 में। तो 1902 में स्वामी विवेकानंद हमारे बीच नहीं रहे, 1911 में ये नहीं रही हमारे बीच, बहुत यंग एज में डेथ कर दी अगर देखा जाए तो। और देखा जाए तो ऐसे देखिए कि ज्यादा नहीं, ये भी 40-42 की उम्र में डेथ कर गई, यानी 44 वर्ष की उम्र में, और 39 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1901 में, दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भारत की औसत आयु लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 वर्ष थी, तो अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी। चलिए हम बात करते हैं आज ही 28 अक्टूबर 1892 जब पेरिस में फोटोज को मूवमेंट दिया गया। ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, तस्वीर को मूवमेंट देना यानी उसको चलायमान देना, गति प्रदान कर देना, ये बहुत बड़ी बात थी। इसी के दम पर हम 1896 में देखते हैं सिनेमेटोग्राफी डेवलप हो गया और फिल्म की शुरुआत हो गई। तो ध्यान रहे, हम अब 28 अक्टूबर को दुनिया मनाती क्या है, वर्ल्ड एनिमेशन डे। आज जो एनिमेटेड पिक्चर्स होते हैं ये सब उसी से जुड़ा हुआ है, तो वर्ल्ड एनिमेटेड डे भी है आज। ध्यान में रखेंगे एक खास बात, आज जैसा कि हम और आप सब जानते हैं आज 28 अक्टूबर है और 28 अक्टूबर 1886 को फ्रांस ने जो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की देवी नाम की मूर्ति जो तांबे की थी 150 टुकड़ों में जहाज पर भेजा गया था, पानी वाले जहाज पर, और अमेरिका को गिफ्ट किया गया था, उसका अनावरण, एस्टैब्लिशमेंट, अनावरण, आवरण मतलब होता है ढक देना की चीज को, जैसे ये शर्ट मेरा आवरण है, अनावरण शर्ट उतार देना यानी कपड़े उतार देना, मूर्तियों के ऊपर से कपड़े उतार देना, रैपर्स खोल देना, उसको अनावरण कहते हैं, जो है वो ओपन कर देना। तो ये चीज है, तो याद रखिएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के हडसन नदी के बीच एक प्लेटफॉर्म पे अवस्थित है जो 93 मीटर हाइट की है और जो तांबे की, कॉपर की बनी हुई है, 150 टुकड़ों में बनी हुई थी, सबको जोड़ा गया है, उसके अंदर भी हॉल है। राइट आरटी, जिसके राइट हैंड में मशाल है, टॉर्च, और लेफ्ट हैंड में कॉन्स्टिट्यूशन है, आरटी राइट हैंड टॉर्च, एलबी लेफ्ट हैंड बुक। तो इस तरह का स्टैचू है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूएसए, दिस इज द डाइटी ऑफ यूएसए एज ए पॉलिटिकल डाइटी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 1776 में 4 जुलाई को अमेरिका ने खुद को आजाद घोषित किया
और फिर अपनी लड़ाई इंग्लैंड के खिलाफ जारी रखी और 1786 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया और उसे इंप्लीमेंट कर दिया और बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिकन कंट्री। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ द 100 ईयर्स नोन एज अ डायमंड जुबली ऑफ द डायमंड, ठीक है, मालूम है आपको डायमंड जुबली ऑफ द अमेरिकाज रिपब्लिक सिस्टम, तो फ्रांस ने, हालांकि उसको युद्ध में भी बहुत मदद किया था, फ्रांस ने ये गिफ्ट किया। तो दिस स्टैचू गिफ्टेड बाय फ्रांस ऑन द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे ऑफ यूएसए, और इसका अनावरण किया गया था। याद रखिएगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब उसके संदर्भ में जरा बात को समझिए, जैसे भारत के लिए भारत माता है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ इंडिया, उनका एक प्रतीक चिन्ह है जिसको एल्गोरी कहते हैं, एल्गोरी यानी प्रतीक चिन्ह यानी पर्सोनिफिकेशन, तो भारत माता हमारे लिए है। जैसे यूनाइटेड किंगडम ने ब्रिटेन के लिए लेडी ब्रिटानिया, जिसको ब्रिटानिया कहते हैं हिंदी में, तो ब्रिटानिया वो वहां की सिंबल है इंग्लैंड की। उसी तरह से जो है जर्मेनिया, ये जर्मनी की है, जर्मनी की सिंबल है जर्मेनिया। उसी तरह से है बेटा मारियन, सिंबल ऑफ फ्रांस मारियन है, ऐसे सिंबल ऑफ यूएसए स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो चलिए ऐसी बहुत सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, आपसे बस एक ही गुजारिश है, आप इस शिक्षा को, इस फ्री एजुकेशन चैनल को जहां तक हो सके आप लोगों तक पहुंचाइए। आपके सुनील सर आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहे।